Hello guys, welcome back to my channel Cool Akhtar Gaming Pro. So guys, आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है. मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे पहले हम लोग गेम स्टार्ट किए थे उसके नज़दीक माउंटेन साइड. तो आज मैं इस पहाड़ को चढ़ने वाला हूँ. आगे वाली जो पहाड़ है उससे पहले मैं यहाँ पे नीचे ये गुब्बारा वाला गेम जैसा लग रहा है लेकिन ये दूसरा कुछ सिस्टम है. बाकी बहुत सारा प्लेयर दिख रहा है. तो आइए चलिए देखते हैं कैसे ये खेला जाता है. तो रेडी हो गया, बो ले लिया, एरो भी थोड़ा बना लेता हूँ. ठीक है, हो गया. स्टार्ट करके देखते हैं. पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, कर लेता हूँ. अभी चेक करूँ. अच्छा, क्या क्या रेक में देख लेता हूँ. सो गाइस, बेसिकली ये कुछ अच्छा. तो ये जो म्यूज़िक बजेगा ऐसा एक के बाद एक, मुझे सिंबल देख के याद रखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके बाद कौन सा सिंबल पे म्यूज़िक बजा था, उसी हिसाब से मेरे को उसको ये कर बजाना पड़ेगा. अब पता नहीं कैसे बजाऊँ, देखता हूँ. एरो मार के तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला एरो से. ठीक है, खाली हाथ मार के देखता हूँ मुक्का. हाँ, काम किया. तो ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला थ्री सिंबल वाला यही था, फिर फोर. ये सिंपल जैसा लग रहा है लेकिन हर बार शायद ऐसा नहीं होगा. हाँ, ये अभी एक हो गया, थोड़ा डिफरेंट है. तो ऐसा ही गाइस, तो डोरेमी फा सी, क्या नाम है, डोरेमी फा सी कुछ जैसा ये म्यूज़िक सिस्टम है. तो चलिए, गिफ्ट मिल चुका है, प्रोटेक्शन जेट, बढ़िया चीज़ मिला है, इसको यूज कर लूँगा बाद में. सो गाइस, तो ये ऐसा खेला जाता है. चलिए, तो हो गया, इसको ले लेते हैं और चढ़ाई करते हैं पहाड़ पर. घर दिख रहा है यार, अंदर कुछ है, शायद सैनिफाई करना पड़ेगा, कुछ तो होगा. चलिए देखते कोई बक्सा वक्सा है कि नहीं. चलो यहीं से कर, यहाँ से हो जाएगा. हाँ, यहाँ से दिखा रहा है, सैनिफाई कर लेते हैं यहीं से फिर. चलो भाई, अंदर जाते हैं. उत्तरी, ये दोनों हाँ छुपा हुआ है अंदर. क्या बात है यार. चलिए इसको पहले मारता हूँ. हाँ लगा, अरे क्या हुआ, लगा नहीं क्या. हाँ लग गया. चलो हो गया भाई, एक के साथ एक फ्री है. मैंने सोचा था एक हो गए तो दो दो है. तो दीवार के करीब वाला मैंने सैनिटाइज किया था. तो मतलब एक के साथ एक फ्री. चलो ठीक है, हो गया खाली. अरे इसकी वजह से वो ले नहीं पा रहा, तो इसको पहले तोड़ता हूँ. अब आएगा ऑप्शन. हाँ, बहुत नज़दीक हो जाता है तो चेस्ट मुश्किल होता है यार, एक साथ नहीं खोल सकते. चलो हो गया, इसका भी थोड़ा ले सकते हैं. कहाँ गया यार मेरा, ख़त्म हो गया क्या, वेपन टूट गया यार. कहाँ है खिलाड़ी, फिर से बनाओ. चलो इसको तोड़ लेते हैं. हो गया, निकलते हैं अभी. और ज़्यादा डैमेज करने का नहीं है मेरे को. छोटा वाला हाउस सही दिख रहा है, छोटा सा लेकिन प्यारा है. तो चलिए चढ़ते हैं पहाड़ को, ऊपर टॉप जाके देखता हूँ कैसा और नज़ारा दिखता है और कौन सी साइड क्या चीज़ है और ऊपर कुछ है भी या नहीं. क्योंकि इसी के अंदर में जो डंजन जैसा कुछ था तो वहाँ पे मैंने स्पॉन किया था पहला बार. तो चलिए देखते हैं क्या है. चढ़ भी जा भाई, घोड़ा से कतई है नहीं चढ़ने वाले, आपको ही खुद जाना पड़ेगा चढ़ने के लिए. सही है, ये टॉप है भाई. ये तो खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, छे ही नहीं करने को, सिर्फ देख सकते. नज़ारा तो सही है भाई, बहुत खाई है. यहाँ से गिर जाऊँगा तो मर ही जाऊँगा. तो स्लाइडिंग करने के लिए मैंने ये हाथ पे ले लिया है, पहली बार ही इसको ट्रेनिंग ले चुका हूँ. तो चलिए देखते किस तरफ जाऊँ. इस तरफ क्वेश्चन मार्क दिखाया तो उस तरफ एक्सप्लोर करते और देखते क्या चीज़ है. चलिए यार, इसमें मज़ा आता है स्केटिंग करने में. चलो भाई स्केट करो भाई, इस तरफ से जाओ कि हाँ यहीं से ठीक रहेगा. चलिए, अरे भाई एक और हाउस दिख गया. चल भाई, ऐसा तो घर बहुत सारा मिलेगा आपको यहाँ पे. मैंने जितना बार गया एक्सप्लोर करने के लिए तब तब देखा है मैंने, छोटा बड़ा सभी तरह के घर यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ ना कुछ अंदर मिल ही जाता है. जैसे कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. गोल्ड कॉइन तो कम से कम मिलेगा, गोल्ड या तो डायमंड, ये दो चीज़ रहता है, या तो बाकी कोई आपका सामान रहेगा जो आपको बाद में काम आएगा. ये क्या चीज़ था, छूट गया मुझे. अच्छा
समवन लेटर, तो लेटर मिल गया है, किसका चिट्ठी है पता नहीं, बाद में पढ़ूंगा, पहले थोड़ा बैठ लेता हूँ। सही जगह यार, चलो हो गया भाई निकलते, बहुत वेस्ट कर लिया। पर एप्पल है भाई, तो पहले इसको सैनिटाइज करो फिर लेता हूँ। अभिशाप वाला मेरे को एप्पल नहीं खाना है, खा के मरना नहीं है मुझे। तो चलो हो गया, अब थोड़ा इस तरफ जाऊँगी, इस तरफ इसमें को मार ही देता हूँ, क्योंकि हाइट मेरे को ज़रूरत है। बार बार डैमेज होता है तो आर्मर तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है, और इससे बहुत कुछ बना सकता है। हाइट बहुत काम की चीज़ है, और ये सुअर को मारने के बाद ही आपको मिलेगा। कहाँ यार छुपा है, चलो एम तो पहले से बहुत अच्छा हो गया, उतना भी नहीं लेकिन हुआ है बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। चलो भाई फटाफट इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि अटैच ज़रूरत पड़ता है आपको घर बनाने का, छत बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास लकड़ी वाला अनलॉक नहीं हुआ है छत का ऑप्शन, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है, जैसे कि आप देख चुके हैं पहले। तो चलिए वो साइड नहीं, और इसको लेने से आपको अपग्रेड कर सकते हैं अपना जो आर्मर होते हैं, या ड्रेस कह लो, कुछ भी जो भी आपको मन करे क्योंकि इससे ही आपको साइनी और से आप अपग्रेड कर सकते हो, उसको पावरफुल बना सकते हैं। तो जब भी दिख जाए तो आप ले कर रखिए, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है ये। भाई यहाँ छुपा है एक और, चलो भाई गोल्ड डायमंड कुछ भी मिल जाओ, बढ़िया है भाई, डायमंड गोल्ड, और उसके पास और उसके साथ ही साथ रेसिपी वाला पेज मिल गया है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है अनलॉक करने के लिए हर आइटम को। तो चलिए हो गया, अभी चलते हैं। तो अनलॉक अभी दो है, तो इसको अनलॉक कर लेता हूँ। हाँ फाउंडेशन भाई अनलॉक हो चुका है पहला, अब जाके वो पुल भी ठीक कर पाऊँगा शायद, पता नहीं, देखेंगे ट्राई करके बाद में। तो पहले स्ट्रॉबेरी ले लेता हूँ, बाद में खाऊँगा। अरे भाई ये कहाँ छुपा था, चलो ख़त्म हो गया। अरे भाई कितना मारेगा, छोड़ो ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ की जा, हाँ चढ़िए देखते इसमें क्या मिलता है। भाई सही है भाई, ऐसा ही अगर आपको खजाना मिलता रहा तो आपको इसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा, कि हर जगह आप जाओ एक्सप्लोर करने में, और कुछ ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा अगर मिलता रहा कुछ ना कुछ गिफ्ट, तो बढ़िया रहेगा यार, मन लगा रहेगा। अरे भाई रात होने वाला है, मैंने सोचा था वो कांटा वाला पेड़ जो दिख रहा था सामने, उसको जाके सैनिटाइज करूँगा, और उसमें क्या लेने वाला था। तो अभी फ़िलहाल भागता हूँ, क्योंकि अभी खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर आने वाले, और बोलते बोलते देखो भाई टपक गया कहाँ से, आसमान से। तो भाई घर पहुँच चुका हूँ, तो आज ये फ्लावर को एक बचा था, तो उसको भी ब्लूम करते खिला देते, देखते हैं एक ही बाकी है। चलो हो गया, तो देखते कैसा लगता है भाई, ये जब खिलता है तो मज़ा आ जाता है देख के भाई, मस्त वाला ये ग्राफिक है। तो चलिए रिवॉर्ड मिल चुका है, 20 डायमंड 100 गोल्ड कॉइन। तो आपको हर एक बार को आपको एक कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोसेस, मतलब 3 बार आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा फुल खिलाने के लिए, तो ही आपको अवार्ड मिलेगा। और ये जैसा कि इसके पास मैंने कुछ फ़ोटो लेने को बोला था, क्योंकि ये कहीं भी जा नहीं सकता है, तो इसके लिए भी एक टास्क है, अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। नज़दीकी जो टेलीपोर्टर है वहाँ पे आपको जाके फ़ोटो खींच के लाना पड़ेगा, उसको वेकन के सामने आके और इसको दिखाना पड़ेगा, मतलब इसके पास आना पड़ेगा फ़ोटो खींचने के बाद। तो चलो एक खाना रेडी है शायद, ले लेता हूँ, और एक और रेडी करने के लिए डाल देता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कैसे जल्दी से आप अपना जो भी मीट रहेगा या कुछ भी खाने का चीज़ पकाने के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर बारिश होने से, जब भी आप देख सकते हो कैंप फायर ये जो है ये बुझ जाता है, तो उससे आप कैसे मतलब बच सकते हो तो दिखाऊंगा। तो पहले सो लेता हूँ, सो के उठ चुका हूँ, अगर नहीं सोऊंगा तो अरे भाई ये कांड हुआ था, अच्छा ये बात है, जल गया था। तो चलिए इसको पहले डिमोलिश करते हैं। हाँ जो बता रहा था, बारिश आता है तो इसको बुझ जाता है, तो आपको उसको सेफ बनाने के लिए, जैसा आप देखे थे पहले वहाँ पे एक जो था पहले से बेस पे बना हुआ था, वैसा ही कुछ मैंने बनाने के लिए प्लानिंग किया है। तो आप आज अब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने फाउंडेशन वुडन वाला जो है अनलॉक कर चुका हूँ, तो आज इसको कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत,
क्योंकि आपको यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के लिए कुछ आपको पोषण वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ को रखने के लिए सेफ भी रहेगा, जल्दी से आ भी पाओगे। तो यहीं पे बनाऊंगा तो एक छोटा मोटा बेस, पूरा घर बनाऊंगा नहीं क्योंकि इसका बनाने से उतना टाइम अभी बेकार वेस्ट हुआ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है इस गेम में जो आपको अगला वीडियो में बताऊँगा और दिखाऊँगा भी कहाँ बनाना चाहिए घर। और बहुत सारा अच्छा अच्छा लोकेशन है जहाँ पे आपको अच्छा वाला पहले से रेडीमेड घर बना हुआ मिल जाएगा, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी नहीं लगेगा उसमें। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते, हो गया। और क्या इसको हटाना, सो गाइस इसको हटाने के बाद फिर से मिलता हूँ, तो इसको कंप्लीट करते पहले। सो गाइस हो गया कंप्लीट, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको ये रोस्टिंग स्पिट जो है इसको पहले लगाना पड़ेगा, उसी का नीचे आप जो फायर कैंप है उसको लगाना है। तो पहले इसको लगा देते हैं, अरे यार बराबर इसको लगा लेता हूँ, हो गया। बस उसी का नीचे अभी आप जो है कैंप फायर लगा दीजिए और बस ऑटोमेटिकली हो गया फिट अंदर। चलो स्टार्ट, तो अभी दिखाता हूँ आप कितना फास्ट होता है। क्या बात है यार, जूसी टेंडर बहुत दिन से बना रहा था, अभी अनलॉक हुआ है। तो चलिए लेवल अप भी हो गया इसका, और कितना जल्दी जल्दी होगा देखिए आप। एक कंप्लीट होते होते अब जो भी इसको फिर से डालोगे और एक आपको रेडी होते मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप चार बना लो तो क्या कहने, बहुत जल्दी सब बना सकते हो कुछ भी, जैसे कि आप देख सकते हो चार टॉप बना चुका हूँ। तो अभी आपको दिखाऊँगा मैं कैसे इसको सेफ रख सकते हैं बारिश से। तो उसके लिए पहले मैं अपना कुछ सामान ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा ले लिया, चलो हो गया वुड और थैच, इसमें स्टोन वगैरह का कोई काम नहीं है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं, इसका वॉल बनाना है। और हाँ बोलना भूल गया था, सॉरी गाइस मैंने दिखाया नहीं आपको पहले, मैंने ऑल भी वॉल जो है वुडन वॉल उसको भी अनलॉक कर लिया था, तो जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए इसको पहले दीवार ऐसा बना दीजिए उसके साइड से, और हमेशा वुडन के ऊपर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कैंप फायर लगाने का, और मैं अगर जल जाए या ना जाए तो इसीलिए इसमें नीचे किया और साइड से ऑल का वॉल भी लगा दिया है। तो ऐसा कुछ हाइट रखिए, और अटैच वाला जो छोटा शॉर्ट वॉल है तो उसको दीजिएगा, थोड़ा हाइट रहेगा तो आपको आसानी रहेगा जाने आने में। और वुडन का ये चीज़ भी मैंने अनलॉक किया था सेट जैसा, तो इसको ऐसा प्लेस कर दीजिए तो आपको बारिश से सेफ्टी मिल जाएगा और ये जलेगा भी नहीं, तो आपको बहुत सेफ्टी है दोनों तरफ से ही, फ़ायदा है आपको। हो गया और एक हो जाएगा, बस हो गया। सो गाइस कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और आपको बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ भी अपना पकाना है तो मतलब मीट हो या मशरूम हो कुछ भी, तो जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो ऐसे आइडिया जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी आपको एक और जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको कुछ नया चीज़ दिखाता हूँ आज, जो है अपना जो राफ्ट है वाटर में जाने के लिए नदी वगैरह में। ये तो उस चीज़ को बनाने के लिए ये जगह आना पड़ता है जहाँ पे बॉस फाइट किया था उसी का बगल से, जिसका कोर नहीं मिला अभी तक, उसको भी एक्टिवेट करना है, उसको दिखाऊँगा ज़रूर आपको। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, और इससे मिलना पड़े, देखता हूँ क्या बोल रहा है। सो भाई बेसिकली ये आप हेल्प मांग रहा है, तो आपको पूछना पड़ेगा क्या क्या चाहिए, मतलब क्या करना होगा। तो कह रहा है हो वाला जो वेपन है या मतलब टूल है, अच्छा ये वाला चीज़, हाँ तो इसमें मैंने पहले देखा था, तो चलिए बनाते हैं, तो बना के इसको देखते क्या काम है इस टूल का, पता चलेगा। तो उसके लिए उसको पहले बनाना पड़ेगा, चलिए इसको बनाते। कहाँ गया भाई, हाँ ये है ना, तो चलो ये वो तो पत्थर मेरे पास नहीं है, तो पत्थर कलेक्ट करके आता हूँ, स्टोन वगैरह इस तरफ मिलेगा। चलिए तो गाइस थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए कि स्टोन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है यार।
अरे भाई एक एक करके स्टोन आ रहा है, इससे भी जल्दी होना चाहिए था यार। जल्दी सब गिन लो, ये भी टूट गया, ये बन जाएगा क्या? चलो कोई नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया, बना चुका हूँ। तो अभी जाके देखता हूँ कैसे क्या होता है इससे काम। आई थिंक इसको थोड़ा ऊँचा करना पड़ेगा क्योंकि पानी आ रहा है, तो वही चाहिए उसको। और लेवल अप कुछ करना बोला था, लेवल करना है, तो उसके लिए पहले राइस करते, थोड़ा ग्राउंड को थोड़ा ऊँचा कर लेते हैं। चलिए और ज़्यादा जाए क्या, थोड़ा जाते हैं, जितना दिख रहा है उतना चल जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, तो साइड से कर लेते हैं इसको। फूल वाला जो पौधा है इसको में करते हैं। क्या हो गया? अरे यार दत्तरी, मतलब ये चीज़ें करने के लिए आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ता है, तो मैं फिर से जाके लेके आ चुका हूँ। तो फिर से काम चालू कर दिया है और थोड़ा आगे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस इतना तक ही रहने का सोच रहा हूँ इसको। अरे यार इसमें नहीं हो रहा है क्या? तो ठीक है, एक और बार करता हूँ, इतना तक ही रखूँगा और आगे नहीं बढ़ूँगा फिर। बस चलिए हो गया भाई, और आगे होगा भी नहीं शायद, होगा ना? अरे हो गया हो गया, होगा भाई होगा, मतलब आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ। चलिए तो हो गया, और एक किनारा बचा है थोड़ा। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा हो नहीं हो गया? थोड़ा लेवल कर देता, क्या बात है यार, ये लेवल किया वहाँ से मेरे को सोना मिल गया है कि काम हो चुका है मेरा। तो ठीक है, पहले इसको बिगड़ गया तो इसको ठीक कर लेता हूँ पहले। अरे यार थोड़ा खोद लेता हूँ, इससे तो नहीं होगा सर, लेवल होगा क्या? और नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरफ लेवल अप कर लेते हैं पहले, फिर बाद में उसको जाके ठीक कर लूँगा। तो सैनिटिफाई करने के लिए कुछ था वहाँ पे, तो बाद में देखता हूँ भाई, इससे जल्दी जल्दी काम हो रहा है। चलिए हो गया, और इसके लिए लगता है आपको कोई पत्थर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ऊँचा करने के लिए। हाँ भाई फ्लैट कर दिया, और क्या चाहिए? फाइन टू पैंथम क्रिस्टल और साइनियोर, तो साइनियोर तो मिल जाएगा, पैंथम क्रिस्टल क्या चीज़ है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें चढ़ चुका हूँ, अभी नाव पे देखता हूँ। हाँ तो ऐसा ऐसा होना, मतलब ऐसा ऐसा करना है क्या, उसमें दिखा दिया है पाल वगैरह कैसे ये एक्टिवेट करना है। भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, मैंने बनाया नहीं करके ऐसे ले गया, तो मतलब ये इसका ही है तो यही चला पाएगा। मेरे को खुद अपना बनाना पड़ेगा एक बार, तो मैंने उड रखा है स्टोर करके इसी चीज़ के लिए, तो करते हैं अपना खुद का बनाते हैं, अनलॉक भी कर चुका हो रहा। चलिए इसको इधर, हाँ बस भाई हो भी जा। तो चलिए भाई थोड़ा तैर के आते हैं, नदी से जाके आते हैं, तैर के नहीं बोलूँगा, तो चलिए जाके थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं नदी को, कहाँ तक जाते हैं चलिए देखते हैं आज। सो गाइस ऐसा है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करने के बाद अब अपना निकल सकते हैं सफ़र में एक नए स्टाइल में, बिना घोड़े के पानी पे। तो ये जो दिख रहा है भाई, जैसे कि जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा मैप भी अनलॉक हो रहा है, उस तरफ विजिबल दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, राइट वाला मैंने गया नहीं, तो देखते पहले इस तरफ क्या चीज़ है, अंदर तक जाऊँगा तो आज। अरे भाई इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है भाई, ये से एक ही तरह है घोड़ा जैसा, हल्का सा मारोगे तो अब जल्दी जल्दी भागता है ये, और थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया तो अब ऐसा मत सोचिए कि बहुत स्पीड जा रहा है। जल्दी जल्दी दिखाने के लिए तो आपको ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन अब अगर खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर हल्का हल्का टच करके छोड़ोगे तो जब जाते रहेगा, तो आप कंटिन्यू दबा के मत रखिए, जैसे कि आप खेलोगे तो पता चलेगा। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा इसमें आपको हाथ सेटिंग होने में, कोई नहीं हो जाएगा, करते करते होएगा। तो चलिए ये पुल, अरे भाई ये पुल आ गया, यहाँ तक जाएगा यार शायद मेरा पाल में, चलिए देखते एक बार। अरे भाई अटक जाएगा शायद, निकलो भाई कैसे भी थोड़ा, अरे हाथों चलो 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 चलो, फंस गया यार, नहीं भाई निकल गया भाई, खतरनाक वाला जगह था यार, फंस ही गया था मैं तो। अच्छा भाई यहाँ पे कुछ गेम आइटम वगैरह कुछ है, तो चलिए। अरे यार फिर से अटक गया, निकलो भाई, क्या ये हिल भी नहीं रहा है, ज़मीन के ऊपर चढ़ गया क्या? हाँ निकला, सही लोकेशन है, अच्छा लोकेशन दिख रहा है मेरे सामने, ये क्या चीज़ है पता नहीं, चलिए जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा शायद।
और आगे जाने का भी रास्ता ख़त्म हो गया, तो मैं और जाऊंगा नहीं, यहीं पे रुक जाता हूँ, थोड़ा और जाता हूँ इस साइड पे जाके उसको ड्रॉप कर देता हूँ। बस भाई यही रोक देते, नहीं तो घुमाने का जगह नहीं रहेगा। तो चल के देखते हैं वो क्या चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते इस एरिया को आसपास के, और एक गेम भी मैं आके खेलूँगा पहले, ये जो कुछ दिख रहा है टूटा फूटा सा एरिया, इसको पहले देख लेते एक्सप्लोर करके, ये क्या चीज़ का है, सिंबल तो दिखा रहा है खुदाई वाला जगह है। चलो ठीक है, नहीं यार ये तो कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, तो बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो क्या चीज़ है यार, ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा दिख रहा है, पेड़ भी बहुत सुंदर है। चलो देखे देखते हैं क्या चीज़ है। कुछ गेट जैसा दिखा रहा है, हाँ ये गेट वाला सिंबल मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आया क्या चीज़ का है। टेलीपोर्टर तो पता है क्या चीज़ है, लेकिन ये कौन सा चीज़ है, गेट जैसा दूसरा कोई जगह जाने के लिए क्या है क्या, और नहीं तो कुछ पता नहीं क्या चीज़ का है। तो ठीक है भाई, तो मिल तो गया खजाना। तो वैसे आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और खुश रहिए।